रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी धरती धड़ेन के चंदा सिंह, घर भातिन के चंदा सिंह, तहांजे पांजे प्रोग्राम धरती जो सुबुह में मां तहांजी मेज़बान सहशा रिज़वी अज बीहर तहां सा गद आया ऐं कचहरियूं कंदासीं। अॼु ज़बरदस्त प्रोग्राम हूंदो, बल्कि मां चवां त अॼु वारो प्रोग्राम मुंहिंजे लाइ इलाही ख़ासि आहे। यकीननि उहो प्रोग्राम तव्हांजे लाइ बि ख़ासि थी वेंदो, छो त उहे शयूं जेके मुंहिंजे लाइ ख़ासि आहिनि उहे तव्हांजे लाइ ख़ासि हूंदियूं आहिनि, जेके तव्हांजे लाइ ख़ासि आहिनि उहे मुंहिंजे लाइ ख़ासि आहिनि। त अॼु कचहरियूं जेके आहिनि दिलि वारियूं कंदासीं, मज़ेदार कंदासीं ऐं म्यूज़िक ते ॻाल्हाईंदासीं। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त म्यूज़िक जो हिकिड़ो पूरो इरा रहियो आहे, पूरो दौरु जेको आहे पॉप म्यूज़िक जो स्पेशली पाकिस्तान में रहियो, ऐं उहो दौरु 90s जो दौरु हो, 85 खां 90s जो जेको पूरो इरा हो उहो 2000 ताईं उहो हिकिड़ो पॉप जो हिकिड़ो ज़बरदस्त टाइम पीरियड हो। ऐं उन टाइम पीरियड में केतिरा कमाल जा सिंगर्स असां ॿुधा, असां नंढा थी वॾा थियासीं उन इरा में, उन टाइम पीरियड में कैसेट्स वठंदा हुआसीं। कैसेट्स तव्हांखे यादि हूंदियूं त CD खां अॻु में जेके कैसेट्स ईंदियूं हुयूं उहे वठंदा हुआसीं, ऐं जेको बि नओं अल्बम ईंदो हो उन सिंगर जो असां लाज़मी कैसेट्स वठी उहे ॿुधंदा हुआसीं टेप रिकॉर्डर्स में। उन खां पोइ वरी जॾहिं CD आई, पोइ CD ॿुधणु असां स्टार्ट कई, पोइ कंप्यूटर जेके आहिनि उहे अची विया हुआ। टाइम पीरियड थोरो थोरो वक़्त सां गॾु तब्दीली चेंजिस जेके आहिनि उहे अची विया। हाणे जेको हर शइ दुनिया जी जेका आहे मोबाइल फ़ोन ते असां वटि आहे, मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन्स आहिनि डिफरेंट, ऐं उन एप्लीकेशन ते असां ॾिसंदा आहियूं म्यूज़िक जो जेके एप्लीकेशन्स आहिनि, उन त सॉन्ग्स ॿुधंदा आहियूं वाइल ड्राइविंग, गाॾी हलायूं त म्यूज़िक ॿुधणो आहे, कॾहिं का पिकनिक आहे, का पार्टी आहे घर में त म्यूज़िक ॿुधणो आहे, कॾहिं स्कूल जा फंक्शन्स आहिनि उन्हनि में म्यूज़िक ॿुधणो आहे, त हर लिहाज़ सां तव्हांखे म्यूज़िक ऐं सॉन्ग्स जेके आहिनि उहे ॿुधणा हूंदा आहिनि। पोइ उन में छा आहे त तव्हां डिफरेंट हाणे एप्लीकेशन्स मोबाइल जूं गैजेट ते अची वियूं आहिनि, दुनिया सॼी जेका आहे उहा समाप्ति गैजेट ते अची वई आहे। त अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं असांजे उन दौर जी, उन सुनहरे सोणे दौर जी, जंहिं दौर में म्यूज़िक जेको आहे पाकिस्तान में सभु कुझु हो, हाणे बि आहे, बट उन टाइम में म्यूज़िक जी तमामु घणी इम्पोर्टेंस हुई, ऐं उहो मां चवां उरूज जो दौर हो हिकिड़ो पॉप जो, जंहिंमें नाज़िया हसन आई, ज़ोहेब हसन आयो, ऐं उहे वॾा वॾा पाकिस्तान जा नाला जेके पायनीर हुआ, ऐं उन्हनि बि तमामु ज़बरदस्त सॉन्ग, ज़बरदस्त म्यूज़िक जेको इंट्रोड्यूस करायो। अॼु जेका पर्सनैलिटी, अॼु जेका शख़्सियत स्पेशली असांजे प्रोग्राम में आई आहे, ॿाहिरां आई आहे, हिननि खे स्पेशली असां हिते घुरायो आहे, ऐं इन करे घुरायो आहे त हिननि पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो आहे। हिननि पाकिस्तान जो पहिरियों फीमेल बैंड ठाहियो, पहिरीं छोकिरियुनि जा जेके छोकिरियुनि जा बैंड्स हूंदा हुआ ऑलरेडी, मूंखे यादि आहे त हारून ऐं फ़ाखिर जो बैंड हूंदो हो, जुनैद जमशेद वारनि जो हिकिड़ो बैंड हूंदो हो 90s में, ऐं हिन टाइम हिननि तव्हांखे ॿुधायां त उन दौर में, उन टाइम पीरियड में हिननि औरतुनि जो, छोकिरियुनि जो हिकिड़ो बैंड ठाहियो, त उन जे हवाले सां हिननि सां कचहरियूं कंदासीं, म्यूज़िक ॿुधंदासीं। तमामु बहितरीन शख़्सियत, तमामु बहितरीन पर्सनैलिटी अथनि, उन्हनि खे बि असां तव्हां सां मिलाईंदासीं अॼु प्रोग्राम में, म्यूज़िक ते कचहरियूं कंदासीं, ऐं ॾाढो ॾींहुं जेको अॼु वारो आहे ॾाढो ख़ासि, ॾाढो ज़बरदस्तु आहे, इन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं हूंदियूं। गॾु तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन त अॼु मूंखे वेस्टर्न वेयर पातल आहे SQube जो, अगरि तव्हांखे मुंहिंजी ड्रेसिंग वणे थी, SQube जा ड्रेसिस तव्हांखे वणनि था, त तव्हां SQube जे पेज ते फेसबुक या इंस्टाग्राम ते वञी तव्हां ऑडर करे सघो था। नाज़रीन, जेका पर्सनैलिटी जंहिंजे हवाले सां तव्हांखे तारुफ़ ॾिनुमि, त पहिरियों पाकिस्तान जो फीमेल बैंड हिननि ठाहियो, उहा पर्सनैलिटी हिन टाइम असां वटि मौजूदु आहे, उन्हनि खे वेलकम चवंदासीं, ऐं तव्हांखे उन्हनि जो तारुफ़ जेको उहो बि कराईंदासीं, शो रील्स बि असां तयारु कयूं आहिनि उहे बि ॾेखारींदासीं, अॼु ज़बरदस्त लाइव म्यूज़िक ॿुधंदासीं। अहिड़ा पर्सनैलिटीज़ जेके पाकिस्तान जे लाइ उन्हनि एतिरो कमु कयो आहे, उहे असांजी सुञाण आहिनि, उहे असांजी पहचान आहिनि, उन्हनि खे असांखे रिस्पेक्ट, प्यार, मोहबत ॾियणु खपे। हिकिड़ो पूरो इरा माशाल्लाह असां म्यूज़िक जो असां वटि अञा ताईं पए, हाणे डिफरेंट थोरो थी वियो आहे जीअं असां ॻाल्हि कई, त तमामु ज़बरदस्त हिननि जो कमु रहियो आहे। अगरि तव्हांखे ॿुधायां त इमिरेट्स में हिननि माशाल्लाह सां एयर होस्टिंग बि कई आहे, उनजे हिननि जो जेको तजुर्बो आहे उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, बट हू सिंगिंग जे हवाले सां त हिननि जो को सानी न आहे, एतिरा साल हिननि खे माशाल्लाह थिया आहिनि सिंगिंग कंदे, तमामु बहितरीन रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आहिनि। वेलकम चवंदासीं हुमा ख्वाजा खे। Thank you.
जबरदस्त। आप जितनी एनर्जी जितनी आप में है ना, जितनी आप एनर्जेटिक है उतना तो कोई भी नहीं है। यू आर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आज देखिए मैंने स्पेशल एक शलवार कमीज पाकिस्तान के ड्रेस कोड के हिसाब से। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उमा, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में आ रही हैं, बहुत कुछ पूछेंगे। सबसे पहले तो बताएं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मसरूफियात हैं? भाई मसरूफियात ये कि एमिरेट्स एयरलाइंस को टाटा बाय बाय किया, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट वन ईयर आई एम हियर इन पाकिस्तान। ग्रेट। और गिविंग माई 100% टू माई म्यूजिक। तो चार नए गाने बनाए हैं जिसमें से एक गाना मलंग आपको आज सुनाएंगे भी, एंड वीडियो बनाई है रेंडिशन नाजिया हसन का, सुन मेरे महबूब सुन, वो भी काफ़ी अच्छा पसंद। नाजिया से जितना प्यार मुझे है ना, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा आपको है। आई नो, वो इतनी प्यार करने वाली पर्सनैलिटी थी कि वो सब उनके सॉन्ग्स से, यार कितने कमाल के उनके सॉन्ग्स हैं। हम हुमा बातें तो करते रहेंगे, आपकी एक शोरील हमने तैयार की है, ठीक है आ जाओ वो शोरील देखते हैं। पांच नाजरीन के वो शोरील देखा नहीं होता हुमा जी कमजे वाले सब। इतना सारा काम माशाल्लाह से किया है इमिरेट्स में आपने, इतने साल काम किया और उसके बाद म्यूजिक को संभालना, दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। अगेन एक जैसे मैंने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला था, हमने साथ एक अभी शो किया था उसमें आई मेंशन, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए अभी मैं, कि म्यूजिक हैड ऑलवेज बीन माई पैशन और एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन हैड ऑलवेज बीन माई प्रोफेशन। तो अब ये कि 100% अब मैंने म्यूजिक को देना शुरू कर दिया है। उस सिलसिले में अभी मैंने चार नए गाने किए हैं। ग्रेट। और एक कंपनी री आर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिकॉर्ड लेबल, उसके साथ अब ये हो रहा है कि एक मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी है क्रेज, उनके साथ एज ए मैनेजमेंट कंपनी के साथ मैंने साइन किया है, वो जो मुझे यहाँ मैनेज कर रहे हैं फॉर लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए। और रियार्ड्स के थ्रू अब मेरे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, आईट्यून्स, हर जगह पे मेरे गाने अब अवेलेबल हैं। और चैनल्स का नाम क्या होता है जहाँ पे आपके गाने आप पोस्ट करते हो? वो एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं हर एक के फ़ोन में आजकल, स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक पे आप जाएंगे, आईट्यून म्यूजिक पे जाएंगे, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, आई क्लाउड पे जाएंगे, हुमा ख्वाजा टाइप करें, ऑल माई सॉन्ग एवरीथिंग इज देयर। और प्लस मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना बना लिया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, उस पे सारे वीडियोस अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जबरदस्त। मैंने भी रिसेंटली उसको सब्सक्राइब किया था क्योंकि मैं मलंग मैं इतना सुनती हूँ ना, जब भी पेंटिंग करती हूँ सुनती रहती हूँ। नाजरीन के ॿुधायूं त असांजी सॼी सथ सॼी टीम असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। म्यूज़िक तव्हां ॿुधो अहिड़ो कमाल जो म्यूज़िक वॼाईंदा आहिनि। ॿियो वरी अॼु वारो प्रोग्राम हिननि लाइ इलाही स्पेशल आहे, मुंहिंजे लाइ बि इलाही स्पेशल आहे। त लाजो भाई बि असां सां गॾु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम लाजो भाई, तव्हांखे वेलकम चऊं था। थैंक यू असां सां गॾु आहियो। ऐं नाज़रीन असां वटि अॼु ढोलक ते बि ज़बरदस्त म्यूज़िशियन मौजूदु आहे, नरेश कुमार असां सां गॾु। हाय नरेश, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम। तव्हांखे बि चऊं था क्योंकि म्यूज़िशियंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। एब्सोल्युटली, अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि एज अ सिंगर हम लोग ओके, जो भी हम अपना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितना भी हमारा डिलीवर करते हैं अपना टैलेंट या जो भी है, बट बग़ैर म्यूज़िशियंस के आई डोंट रियली थिंक कि कोई भी सिंगर जो है वो अपना 100% दे सकता है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन होते हैं। बिल्कुल, इनके साथ ही वो मेक और ब्रेक वाला सीन होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सिंक्रोनाइज होता है तो जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट सामने आती है। जबरदस्त।
तो बता, अच्छा हुमा, आप इतने साल से गाना गा रही हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, कैसे ख्याल आया पहले पहले एक छोटी सी लड़की, कोई 17 साल 18 साल की लड़की को कैसे ख्याल आया कि मुझे फीमेल बैंड बनाना है? आई नो, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई वॉज इन अ PCHS कॉलेज इन कराची, आई एम फ्रॉम कराची. तो मेरे साथ मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड समरा आसिफ रजामीर, जो कि हम आसिफ रजामीर की, आसिफ रजामीर की वाइफ एंड अहद रजामीर की मदर मदर. तो उनके साथ ये था कि उसको लिखने का बहुत शौक था और बहुत अच्छा लिखती है वो. एंड देन वी डिसाइडेड कि जब व्हेन शी गॉट मैरिड टू आसिफ भाई, तो आसिफ भाई की एक कंपनी होती थी ब्लेज ऑन एडवर्टाइजिंग, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया रिदम विदम एक प्रोडक्ट के साथ. आई डोंट थिंक कि मैं अभी प्रोडक्ट का नाम ले सकती हूँ, बट वो रिदम विदम के नाम से एक म्यूजिक शो बना जिसमें स्ट्रिंग्स, अली हैदर, शहजाद ड्रॉय, हम लोग थे. एक बैंड होता था माइल स्टोन, कैंडी परेरा और एरिड जोन, ये सारे उस जमाने के सारे बैंड्स को उन्होंने चांस दिया. तो हमारी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं जलील अख्तर और उनकी वाइफ मरीना खान, इन लोगों ने हमारी एक वीडियो बनाई. फिर उसके बाद शाहिद जार, समरा के ब्रदर, उन्होंने वीडियोज़ बनाई हमारी. तो और हमने फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैंड बनाया क्योंकि आसिफ भाई की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी क्योंकि उनकी कंपनी थी. तो इस वजह से बीइंग अ गर्ल वी वर वेरी प्रोटेक्टेड. तो जो भी इंटरव्यू होते थे उस ज़माने में न्यूज़पेपर्स के जितने भी, सब वहीं आ जाते थे और हमें वहीं ऑफिस में हमारे इंटरव्यूज़ भी हो जाते थे. तो हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी मेंटली रिलैक्स थे कि बच्चियाँ सब अच्छा सही काम कर रही हैं, इन अ गुड प्लेस. और इस तरह से फिर हमने साउंड मास्टर, एक कंपनी होती थी जिसने बहुत ज़बरदस्त एल्बम्स रिलीज़ किए हैं, सज्जाद अली, फ़ाखिर, सलीम जावेद, यू नेम इट, एवरीबॉडी. तो उन्होंने हमारी फर्स्ट एल्बम सिम्फनी वॉल्यूम 1 के नाम से रिलीज की. और एक किस साल की बात है ये सारी बातें हैं? 1994 की. 1994 में हम लोगों ने अपना बैंड बनाया था. वो बैंड हमने साल, एक साल चलाया एंड फिर 1994 में ही समरा जो थी, दे वर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा. मेरा एमिरेट्स एयरलाइंस में हो गया अपॉइंटमेंट, तो आई फ्लू टू दुबई. फिर आतिफ भाई जो हमारे सिंडिकेट बैंड के कीबोर्डिस्ट भी थे, वो हमारे गाने सारे सीक्वेंस करते थे. देन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही फ्लू टू ह्यूस्टन. शाजिया हमारे साथ एक और होती थी बैंड में, शाजिया ओवैस, शी ऑल्सो वेंट टू टोरंटो. तो हम चारों में से सब, दो लोग कैनेडा, एक ह्यूस्टन अमेरिका और एक दुबई चले गए अलग अलग. तो वो बैंड खत्म हो गया एक तरह से, एक एल्बम के बाद और दो तीन कॉन्सर्ट्स के बाद. अच्छा, इतना अरसा आप बाहर रही हैं, 27 साल आप मुल्क से बाहर रही हैं से, जी, और तकरीबन तो हवा में ही रही हैं. ऐसा ही है, जहाज के जरिए. ठीक है, तो इतना बाहर रहने के बावजूद गाया हमेशा हमारे मुल्क के लिए क्यों, किसी और जगह के लिए क्यों नहीं गाया? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तान से है, दिस इज वेयर आई बिलोंग टू. तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं उर्दू बोलती हूँ, बिकॉज हमारी एक नेशनल लैंग्वेज उर्दू है. तो अब आप देखें जितने भी हैं, अब एनरिके इग्लेसियस है, स्पेनिश सिंगर है, उसकी आइडेंटिटी स्पेन में, या आप अगर स्पेनिश गाने गाएगा या वो किसी भी साउथ ऑफ अमेरिका जाएगा तो लोग उसको वहाँ ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा जानेंगे, बिकॉज ही मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स ही सिंग इन स्पेनिश. तो इसी तरह आपका जो अभी कोरियन बैंड है, सारे जितने भी अभी आजकल जो नए आए हुए हैं, BTS, वो सारे कोरियन में गाते हैं. तो आपकी आइडेंटिटी वही है. अब अगर मैंने इंग्लिश में गाना शुरू कर दिया तो फिर लोग एड्रियाना ग्रांडे को सुनेंगे या ना कि उमा ख्वाजा को सुनेंगे. तो क्योंकि मेरी आइडेंटिटी उर्दू में है, एंड व्हेन आई सिंग इन उर्दू या सिंधी या पंजाबी और इन माई लाइक रीजनल लैंग्वेजेस, तो जितना प्यार और जितनी अप्रिसिएशन मुझे मेरे लोग देंगे, वो पॉसिबल नहीं है कि वो कोई दूसरी नेशनैलिटी दे सके. तो दिस इज़ वाई आई ऑप्टेड टू स्टिक टू माई ओन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ माई सिंगिंग. यस, मैंने TV कमर्शल्स बहुत किए, इंग्लिश में बहुत सारे किए हैं. बहुत सारी हमारे बेवरेजेस के जो ऐड होते हैं, मैं नाम नहीं ले रही, बट बहुत सारी हमारी जो ड्रिंक्स हैं ब्लैक कलर की होती हैं वो, तो उनके मैंने बहुत सारे, जैसे बिल्कुल मैंने उसके बहुत सारे इंग्लिश TV कमर्शल्स गाए हैं यहाँ पर. लेकिन ये कि गाने और एल्बम मैंने हमेशा अपने उर्दू में ही किए. अच्छा किया, और बहुत बड़ा ये मैसेज भी जा रहा है आपके जरिए कि हमारे जो लोग हैं, असा जो मानू हैं, वो पांजी आइडेंटिटी जो उनके ऑन ना इन कंदा, पांजी आइडेंटिटी जरे ता ऑन कंदा, उन्हें ते ता के गुरूर हुंदो, फखर हुंदो, तरह ही जमानो दुनिया ता के ऑन कंदी है, दुनिया उन्हें केतरी इंपॉर्टेंस दी.
पैकेज ऐसूँ हुमा के हवा से पैकेज असो सॉन्ग सॉन्ग कर वो बिल्कुल सही है। क्या क्या सुबह सुबह में क्या होगा? सुबह सुबह क्या करते हैं? मेरे ख्याल में लोगों को जगाना चाहिए। हाँ, सब सोए हुए होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई अम्मी बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के अब सोने के चक्कर में है, अब वो ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल में है, तो चलो भाई सोते में जगाते हैं। तो क्या ख्याल है सर? कुछ कुछ एनर्जी हो जाए, जबरदस्त। मेरा ख्याल है ठीक है। फिर तो आपदा जी, आपदा परवीन इज ऑलवेज बीन माय फेवरेट, और हमारे मेंटोर्स की तरह हैं, तो मैं मेरे ख्याल में उनको ट्रिब्यूट देते हुए हम एक उन्हीं के लिए गाना करते हैं। क्या ख्याल है? जबरदस्त। और इसमें हम अभी इतने मजे का सेट है, इतने मजे की वाइब है, तो हम उठ के खड़े होके चलते फिरते करेंगे। मजेदार मजेदार। चलें जी, 1 2 3 रखड़ा धूम च रखड़ा साइया दा मेरी कट्टड़
रगड़ा हो रगड़ा धूम च रगड़ा हो रगड़ा धूम च रगड़ा सैया दा मेरी कटड़ वाली जीव मैयार दी गडोली वर्दी सुनी यार दी गडोली वर्दी मैयार दी गडोली वर्दी सुनी यार दी गडोली वर्दी मैयार दी गडोली वर्दी सुनी यार दी गडोली वर्दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टू गुड, बहुत वाह 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 वाह, क्या आप लोगों ने प्ले किया, मजा आ गया यार। और कितना मुझे कितना मेरे लिए फैन मोमेंट था मैन, ओह माय गॉड, कितना कमाल का। और लाइव आपको सुनना, मैं व्यूवर्स को बता दूं मैं इसको घर से लेकर नहीं आई हूं, कहीं लोग ये ना समझें कि मैं मतलब मेरे ग्रुपीज आए नहीं, ये दिल से फैन है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स होने के अलावा लाइक इट वाज अ फैन मोमेंट। आप इतने अच्छा गाते हो, सीरियसली प्रिविलेज, आई फील प्रिविलेज, और इतनी एनर्जी माशाल्लाह से, लाजो भाई को भी मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया, कितना अच्छा माशाल्लाह से एनर्जी मिल गई। सुबह सुबह जड़े ऐसा हुमा जी गाल बिल्कुल ठीक हुई तो नाश्तो ठाए भेणू जके सुमन जी तैयारी या सफाई वगैरह घर जी वो तैयारी करनी है ना उन टाइम ते थोड़ी एनर्जी मिली वने तो जबरदस्त फील थिंदो है। हुमा, इतने सारे सॉन्ग्स, इतने सारा म्यूजिक, कौन इंस्पिरेशन रहा हुमा कौजा की? अगेन इट माइट साउंड वेरी क्लिशे के, बट ये मुझे लगा कि मैं बचपन से ही गाती थी, बट ये मैंने डिस्कवर तब किया जब मैं छोटे होते हुए क्वेटा गई, और वहाँ क्वेटा में मेरे चाचा रहते थे, एंड देन वहाँ पर टीवी स्टेशन में मैं गई तो वहाँ पर सज्जाद अहमद, बड़े फेमस हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है पाकिस्तान के, तो उन्होंने मुझे वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने चार गाने वहाँ किए, देन आई रियलाइज आई थिंक आई कैन सिंग। फिर मैंने अपने स्कूल मैट्रिक में, फिर अपने कॉलेज PCHS में मैंने गाना शुरू किया, बैंड बना, फिर मुझे लगा वाकई यार ये तो सीरियस हो रहा है कुछ, सीरियस हो रहा है, सही है। और लोगों की जब एप्रिसिएशन मिलती, बिल्कुल फैन मोमेंट्स जब होते थे लोगों के, और इतना एक पूरा 90s में तो इतना उरूज पर था म्यूजिक, यस पॉप म्यूजिक हमारा, क्या क्या, तो मेरी इंस्पिरेशन ऑलवेज नाजिया हसन रही, तो जब हम बच्चे होते थे तब से उनके गाने डम डम डी डी, डिस्को दीवाने, आप जैसा कोई, बूम बूम, सबसे महंगी है, चलती रहती है दोस्ती, तो नाजिया हसन एंड ज़ोया बच्चन, दे हैड ऑलवेज बीन माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, दैट इज़ द रीज़न नाजिया हसन का एक गाना जो कि काफ़ी अंडररेटेड था, पीपल डिड नॉट इवन नो अबाउट इट, बट वो काफ़ी गिटार बेस्ड गाना था, वेरी ऑर्गेनिक, तो मैंने सोचा कि हमारे एक बहुत अच्छे बिल्कुल भाइयों की तरह है, इफ्तिखार नाम है उनका, इफ्ती भाई, इज अ वेरी ग्रेट गिटारिस्ट, और एक सिंगर होते थे हमारे तहसीन जावेद, उनके बैंड में वो गिटारिस्ट भी थे, तो वो अक्सर आते थे, मेरे भाई के दोस्त थे, तारी प्रोग्राम में म्यूजिक है कचारी वन, प्यार ही प्यार है, तो बेसिकली प्यार जी गाल कभी पे हुआ सिंधी समझ में आती है, बिल्कुल आती है यार 100%, और कितना अच्छा लगता है जब, आई लव इट, हमारी जुबानें कितनी मीठी है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मतलब आप जो भी, आप फॉर एग्जांपल सिंधी है, मतलब मैं मजाक करी थी, 100% तो मुझे नहीं आती है, बट 50% आती है, बट जो 50% नहीं आती है वो मुझे लगता है कि मैं क्यों म्यूजिक सुन रही हूँ, द वे यू टॉक इट्स लाइक अ मेलोडी, एक चल रही है, फ्लोट कर रही है। अच्छा, कहीं भी जाती हैं गांव में, कभी जाना हुआ है कहीं इंटीरियर पंजाब के या सिंध के किसी भी गांव में अभी तक तो नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह प्लान अभी होगा, अभी ये हम लोग जा रहे हैं, जाओगे मुझे यार, हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नाज़रीन के बुधायूं त खोड़ जेके असा भेण भाऊ भावर असा के रिसन पे स्क्रीन जे थ्रो ता सबनी के वेलकम चाहूं था, ता के बुधायूं त मुझी बेस्ट फ्रेंड सैंडी पारस इन टाइम असा के रिसी रही है, पारस आपको प्यार कह रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन जी नंढड़ी उरूज उआ असा के रिसी रही है, ताके वेलकम चाहूँ था, थैंक यू सभी गर्भाती, एतरो प्यार एतरो मान असा के दींदा आयो, तो हुमा गद रहे कचारियों असा जो हली रही, हुमा क्यों ना एक रैपिड फायर खेल ले, बिल्कुल एनी टाइम आई एम रेडी, यू आर रेडी बिकॉज़ यू आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह, थैंक यू, तो रैपिड फायर खेलते हैं, इसमें मैं एक वर्ड बोलूंगी जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको वो जल्दी से जवाब देना, चले प्यार, प्यार वी शुड ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, सब में बांटो, म्यूजिक सोल है, रूह है, अचार, अचार बहुत खट्टा, जिंदगी जिंदगी छोटी सी है, बेस्ट तरीके से गुजारो, स्क्रीनशॉट मस्ट है, जिंदगी बगैर स्क्रीनशॉट के कुछ नहीं पानी नेसेसिटी, कार्टून मैं, मेरा नाम नहीं लेना मैं मेरा नाम लोगी कार्टून, चलो बिरयानी जरूरी है, स्नैप्स बिरयानी से ज्यादा जरूरी है बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, लाजू भाई सर कीबोर्ड सही थी हो, हाँ जी, छा ख्याल है, एकड़ो बियो गेम खेलियो हुमा सा,
हो जाए। एक और गेम है और ये बहुत ट्रिकी है, आपके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे कोई कह दे कि सर उठो ब्रश से ये चीज बना दो, मैं बना दूंगी, मेरे लिए मुश्किल ही है। बिल्कुल वैसे ही म्यूजिक तो रगों में बसा हुआ है ना, रगों पे में। हाँ, पिया हुआ है घोल के। यस यस, पिया हुआ है घोल के। तो कुछ सिंगर्स हैं उनके यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है, और इनके नाम आप पर्ची एक एक करके पिक करोगे। हाँ, हाँ। और जिनके आपको सॉन्ग्स याद हैं आपको वो गाने, भले दो दो लाइन्स हमारे व्यूअर्स को आप सुनाएं, लेकिन ये आपके लिए छोटा सा चैलेंज है। बट आई होप की चैलेंज नहीं होगा। आई होप कि जिस सिंगर का भी नाम निकले और मैं गाऊं तो वो माइंड ना करें, क्योंकि मतलब यार सारे फिर वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं काफी। और आप गाओगे तो कोई माइंड नहीं करेगा। हाँ, ये तो है, वैसे ये बात है, दे मेजॉरिटी दे लव मी, तो ये इज एन ऑनर, एवरीवन लव्स। चलें बिस्मिल्लाह करके पहली पर्ची निकली है जनाब। ओके, हदीका कियानी। ओह वाओ। अच्छा, हदीका इज नॉट ओनली अ फ्रेंड, एक्चुअली शी इज़ माई नॉन बायोलॉजिकल सिस्टर। वी बी नोइंग ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को, सॉरी मैं बीच में इंग्लिश निकल आती है मेरी, कोई बात नहीं, ले मैं और हदीका एक दूसरे को ऑलमोस्ट 25 साल से जानते हैं। और ये कि अभी शी लॉस्ट हर मदर, तो अल्लाह मियाँ उनको आला दर्जात अता फरमाए। आमीन, आमीन। और जब मैं लाहौर गई थी अभी 3 महीने पहले, तो आई मेट हर लास्ट टाइम, तो उन्होंने हदीका की मदर ने यही मुझे कहा हदीका से कि ये चिड़िया अभी तक उड़ रही है या बैठ गई है। तो शी वॉज ऑन बेड, शी वॉज बेड रिडन, शी वॉज अ स्ट्रोक पेशेंट। तो हदीका कहने का, नहीं अम्मी अभी ये बैठ गई है आके, तो क्या लेंगे इससे कहो अब ये मेरे पास बैठे। एंड दोज द लास्ट डायलॉग जो उनके थे, तो आंटी ही का लिखा हुआ एक गाना जो हदीका ने गाया था। Great. और जस्ट लिटरली वेंट ऑफ द हुक, इतना मशहूर हुआ है वो गाना। बूहे बारिया ही डेडिकेट करते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल बूहे बारिया कर लेते हैं। बूहे बारिया ए ना देखना टपके, बूहे बारिया ए ना देखना टपके, आवांगी हवा बनके। बूहे बारिया है, बूहे बारिया, बूहे बारिया ए ना देखना टपके, आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां आए, बूहे बारियां। थैंक यू, एक बार प्यार हो गया मुझे आपसे हुआ। ओह माय गॉड, सबसे प्यारा बच्चा तो ये है यार, इसको मैंने मेकअप रूम में मिकी माउस कहना शुरू कर दिया था। इसकी स्माइल जो है वो इतनी प्रेजेंट है कि मतलब यू कैन ऑलवेज रिलेट टू सम हैप्पी कैरेक्टर्स। अच्छा, दूसरी पर्ची में किसका नाम है? यस, दूसरी पर्ची देखिए, पर्चियां चल रही हैं इधर। पर्ची चल रही है वाके। ओ माय गॉड, अब ये पर्ची जो है ये इस पे मेरे मेंटोर सज्जाद भाई, सज्जाद अली, लिविंग लेजेंड हमारे। और सज्जाद भाई का भी थोड़ा सा मैं एक वो डिस्क्रिप्शन ये दे दूं कि सज्जाद भाई लिव्ड इन दुबई फॉर 14 इयर्स, आई लिव्ड इन दुबई 27 इयर्स। और सज्जाद भाई उनके बच्चों के साथ, उनकी वाइफ के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। और अब ये कि हम सब पाकिस्तान आ गए, तो ये कि इट्स अ हैप्पी थिंग ऑल्सो, बट ये कि सज्जाद भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा अगर ज़रा सा भी मैंने गलत गाया तो। तो हम सज्जाद भाई का कौन सा गाना, हम बैंड पर छोड़ते हैं कि कौन सा गाना चाहिए, याद तो आती होगी। चलिए, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ये बैंड के कहने पे मैंने गाया है, तो या सज्जाद भाई प्लीज माइंड नहीं करिएगा, नहीं करेंगे कभी भी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ओके, पर्ची नंबर 3, पर्ची नंबर 3 हर जगह पे चल रही है। ओ हो हो, ये वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है नाजिया हसन, जिनकी वजह से टेक्निकली मैंने गाना शुरू किया है। तो नाजिया हसन का एक बहुत ही मज़ेदार गाना है, नाजिया का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूं पब्लिक, ताकि रिलेट भी करें। नाजिया हसन के लिए मैंने दिल की लगी जब गाया, और वो मुझे 2 दफ़ा दुबई में मिली। बट मेरा फ़ैन मोमेंट ये था कि मैं आई वॉज सो रिलक्टेंट एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड कि मैं उनको अप्रोच करके बता ही नहीं सकी कि मैं आपको कितना अप्रिशिएट करती हूँ और आप मेरे लिए क्या हैं।
और जब मैंने ये दिल की लगी गाया, आमिर जकी ने इसको प्ले किया, हमारे गिटार लेजेंड थे वो, एंड देन उसके बाद जब वो गाना रेडी हुआ और मैंने सीडी पे उनको पूरा डेडिकेट किया, बाय देन शी वाज नो मोर। तो ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा रिग्रेट है कि वो गाना इतना हिट हुआ जो आज भी 14 इयर्स के बाद हर 13th की नाइट को 14 फरवरी वैलेंटाइन से एक रात पहले चलता है। बट एनीवेज वो जहाँ भी हैं वो सुन रही होंगी। बिल्कुल। तो हम नाज़िया हसन का एक गाना को डेडिकेट करते हैं। जी बिल्कुल, उनको डेडिकेट करते हैं, ताली दे थल्ले। जबरदस्त। 1 2 3 ताली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, ओ माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द मंदावे, हाँ मंदावे, मैं तेरे दर्द मंदावा, करिए प्यार दिया गल्ला, हुण करिए प्यार दिया गल्ला। चले लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, ओ हो, जुनेद भाई, जुनेद जमशेद, मतलब सारे लेजेंड्स आ रहे हैं, क्या बात है। जुनेद भाई और मेरा वी लाइक वी बोथ हैव कम अ लॉन्ग वे। दुबई में जब आए वो, उनके साथ हमने शो किए और उनके साथ काफ़ी हैंग आउट किया। ज़बरदस्त आदमी थे और क्या बोलूँ मैं उनके लिए, मतलब आउट ऑफ वर्ड्स, जो आने वाली जनरेशन तक जाते रहेंगे। एब्सोल्युटली, वाइटल साइन के बाद सोलो जुनैद भाई के गाने, मतलब एक गाना आप बोलें कि कोई आप चूज कर लें तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जुनैद भाई का एक गाना, मतलब वाइटल साइन का। तो आइए हम एक करते हैं, जरा उन्हीं को डेडिकेट करेंगे। उन्हीं को डेडिकेट करेंगे। जी बिल्कुल सही है। सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां चढ़ंग करके जाने कैसी आस दिलाए, हाय हाय करे सब लड़के, सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां चढ़ंग करके अमेरिका के ना जापान के, अमेरिका के ना जापान के, हम तो है दीवाने मुल्तान के, चावली होठ सराय की बोले और कानों में रस टपके, सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां चढ़ंग करके। म्यूजिक जका रूह जी गिज़ा है, जका बुद्धि तांगे एनर्जी मिलदी है, तांगे सुठा वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स मिलदा है। एस्पेशली हुमा जेडियू लेजेंडरी पर्सनालिटीज जडे गायण वारी हुजन सामू, तो पो मुंह अगर एकड़ा फैन मोमेंट सुनायन दिल सा बुधनायो, आए ताहा ताई मुजो यो ही मकसद हो हुमा के, स्पेशली मा जबरदस्ती समझो ता घुरायो है, इदे करे घुरायो तो ता सब बु बुदो, मा बु बुदा, आए गज्जी करे असा एंजॉय क्यों। हुमा अस सा गद है कचरी सा नाज़िया हसन हवाले से कही सी, मैंने भी पेंटिंग बनाई है नाज़िया हसन के। हो जाए फिर अभी। हां हो जाए, बिल्कुल, आई एम रेडी, दिखाओ। पहले हम सॉन्ग सुनते हैं, दिल की लगी, ठीक है, वो डेडिकेट करते हैं नाज़िया को, फिर पेंटिंग दिखाती हूं आपको, एज यू विश। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल, अभी सुनाते हैं दिल की लगी। असा यो कहूं था डेडिकेट नाज़िया हसन के, दिल की लगी, वन ऑफ माय मोस्ट 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 फेवरेट सॉन्ग, मुंजो ब आए हुमा जो ब। एब्सोल्युटली, और वो गाए हुमा ख्वाजा तो उसके बाद क्या बचता है। सीरियसली, आई मीन आई फील ऑनर्ड कि ये गाना मैंने गाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्टिफाइड। कुछ ऐसा भी होता है ना कि जब आप
किसी का गाना गाते हैं, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते, आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते, और अगर लोग सेटिस्फाई ना हो तो और बुरा हो जाता है. तो ये कि इट्स वेरी लाइक यू नो देयर इज अ थिन लाइन कि अगर आप उसको जस्टिफाई करें फिर सही है. लेकिन हुमा इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी कि हमारे जो लिविंग लेजेंड्स थे या अभी हमारे जो लेजेंड्स हैं हम उनको गानों के थ्रू, आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू उनको ट्रिब्यूट्स देते रहे ताकि वो जिंदा रहें. बिल्कुल ऐसा ही है. अब आप जब भी नाज़िया हसन को गाओगे तब लोग कितना उनको याद करेंगे. मेरे लिए प्यार की बात है यहाँ पर लोकल एफएम चैनल यहाँ पर कराची के. तो जब आई लाइव इन दुबई, ये 5-6 साल काफ़ी साल पुरानी बात है कि वन ऑफ दोज नाज़िया हसन की बरसी पे तो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कैन यू प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू एक्सक्लूसिव फॉर नाज़िया हसन उनकी बरसी पे. तो मैं दुबई से कराची आई थी एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे बराबर में ज़ोए बसन बैठे हुए थे. तो वो सोचे उन्होंने उनके भाई को बुलाया एंड दूसरा रिप्रेजेंटेटिव जो था वो मैं थी. तो मुझे नाज़िया हसन को रिप्रेजेंट करना उनकी बरसी वाले दिन इज़ जस्ट बिकॉज कि उन्होंने RJ ने मुझे बोला कि जो यूथ है, जो नए लोग हैं जिनको नाज़िया हसन का नहीं पता था, जो जब समझ लें जो जेन जी हैं या मिलेनियल्स हैं उनको नहीं पता था, तो वो आपके थ्रू दिल की लगी सुनने के बाद उनको पता चला नाज़िया हसन का. तो दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड कि आपका वहाँ होना काफ़ी वायबल है हमारे लिए. तो दैट वॉज एन ऑनर. मैं भी यही चाह रही थी, सोच रही थी कि आप आओगे ना तो हम ट्रिब्यूट देंगे नाज़िया हसन को. बिल्कुल यार, डन डील है. बहुत ज़बरदस्त है. नाज़रीन के वो बुदाया तो नाज़िया हसन 90s जी उहा सिंगर जै जरे सॉन्ग्स गाया तो वो पहली सिंगर जिनके फिल्म फेयर मिलियो, वो पहली सिंगर जो इंटरनेशनली जिनका सॉन्ग्स उनकी रिकग्नाइजेशन एक मिली पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक जो है वो एतो मथे हलो वो ही लेजेंडरी पर्सनैलिटीज जन उन नाले के जिंदा रखो. तमाम ज़बरदस्त पेंटिंग मुझी अगर अस हिं दिखारे सूँ हुमा के तो ज़बरदस्त पेंटिंग भी मुठाई है. असने पाकिस्तानी जो हीरोज़ हैं उन्होंने जो सिंध जो असने हीरोज़ उन्होंने ट्रिब्यूट दिना है. तो नाज़िया हसन जो भी मूँ पोर्ट्रेट ठाया है ढे दिल से ढे प्यार पोर्ट्रेट ठाया है नाज़िया हसन जो. ज़बरदस्त यो पोर्ट्रेट मुठायो हो नाज़िया हसन जो उनके ट्रिब्यूट देन के लिए अजरक मूँ इन ला पाराई हुई. तो मुझे यूजुअल जो भी हीरोज़ हैं असाजा सिंध जहाँ या पाकिस्तान जहाँ उनके अजरक माँ पंजी तरफा एक ट्रिब्यूट दींदी है. हाँ ये पेंटिंग थी जो मैंने उनके लिए बनाई. सिंपली ब्यूटीफुल, सो नाइस, कलरफुल एंड वाइब्रेंट, माशाल्लाह ब्यूटीफुल यार. मेरी भी हुमा यही कोशिश है जिस तरह आप ट्रिब्यूट देती है एज एन आर्टिस्ट. मेरा भी मैं समझती हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको याद करूँ और आने वाली जनरेशन इन पेंटिंग के थ्रू उनको देखती रहे. बिल्कुल ऐसे ही है. बिकॉज सी ये एफर्ट्स जो हैं कभी ज़ाया नहीं जाएंगी. पीपल कीप ऑन वॉचिंग इट एंड वो आपको भी याद करेंगे, उनको भी याद करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे. अब जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान आते ही मैंने सेकेंड ट्रिब्यूट नाज़िया हसन को दिया था, सुन मेरे महबूब सुन उनका एक बहुत अच्छा गाना है वो मैंने गाया, उसको रेंडेशन किया. अली मुस्तफ़ा बहुत बड़े यहाँ के हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के, उनके स्टूडियो में इस्लामाबाद में मैंने वो गाना किया और उसकी वीडियो हमने यहाँ कराची में बनाई और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया है. तो जो लोग भी नाज़िया हसन को पसंद करते हैं वो मेरे YouTube चैनल हुमा ख्वाजा YouTube पे जा सकते हैं, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और जस्ट वॉच द वीडियो. वो मैंने अभी रिसेंटली बिल्कुल 1 महीने पहले रिलीज की है. तो जबरदस्त, सुन मेरे महबूब सुन. म्यूजिक की इतनी सारी बातें चल रही, क्या ख्याल है एक और सॉन्ग हो जाए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है. क्या कौन सा सॉन्ग? मेरा ख्याल है कि हम फिर जब नाज़िया ही की बात हो रही है तो हमने पहला गाना आपदा जी को डेडिकेट किया था, माई आरदी के डोली भर दी. फिर अब हमारे जबरदस्त, सबसे पहले तो हम दोनों एक राउंड ऑफ अप्लॉज करते हैं अपने म्यूजिशियंस के लिए. देयर अमेजिंग, टू गुड, और हमारी अभी रिहर्सल हुई है 5 मिनट पहले, बट देर आर पिकिंग अप सो वेल. तो अमेजिंग, गॉड गिफ्टेड. तो हम नाज़िया हसन का गाना करते हैं, क्या ख्याल है? सही है, थोड़ा लोगों को जगाते हैं भाई. अब आधे लोग तो जाग गए हैं वो गडोली के बाद, तो अब मेरे ख्याल में बाकियों को भी जगा देते हैं. क्या ख्याल है? जगा देते हैं, बूम बूम करके. तो आइए फिर शुरू करते हैं. 1, 2, 3. हेलो हेलो, चेक चेक चेक. 1, 2, 3. दिल में मीठी मीठी मस्ती है, हलचल हलचल देखो तुझे जो ही हो जाओ पागल पागल. तू मिला मिला सहारा, तेरे नहीं गुजारा रोज नहीं.
सपने दिखाने वाले बूम बूम जब भी मिलते हैं अब तो आंखों आंखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन को सुन मेरी सांसों को तेरी ही धुन दिल बोले बूम हरदम तेरी खातिर रहती हूँ बेकल बेकल सबसे तेरी बातें करती हूँ हर पल तू कदम रखे जहाँ पर दिल मेरा झुके वहाँ पर मुझसे ही मुझे चुराने वाले बूम बूम जब मिलते हैं हम दो आंखों आंखों में होते हैं गुम दिल बोले बूम 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 मेरे सीने की धड़कन को नंढा हुआसी मुझे याद है हुमा हम क्या करते थे कैसेट्स खरीदते थे जो भी नया एल्बम आता था एब्सोल्युटली मेरी फर्स्ट एल्बम जो थी सिम्फनी वॉल्यूम 1 जो मेरे बैंड के साथ थी वो कैसेट में आई थी साउंड मास्टर जो कंपनी जिसका मैंने बताया था उन्होंने बड़ी फेमस एल्बम्स रिलीज की हैं सज्जाद अली की सारी एल्बम बेबिया और लारी अड्डा ये सारे सज्जाद भाई की एल्बम भी साउंड मास्टर ने रिलीज़ की थी उसके अलावा शहजाद रॉय अबरारुल हक और हमारी सिम्फनी उन्होंने रिलीज की थी और कितना उरूज था एक कैसेट खरीदते थे सब लोग बिल्कुल ऐसा ही है कैसेट और अगर कोई सीडीज आई कैसेट नहीं आती थी ना फिर सीडीज आई हाँ बिल्कुल फिर सीडीज का फिर यूएसबी का एक दौर था yes, yes. बिल्कुल और कभी ऐसा होता था हम लोग क्या करते थे सॉन्ग जब आते थे तो पुरानी कैसेट्स अब नई कैसेट अगर महंगी है हाँ. तो हम क्या करते थे मैं मेरा भाई हम जेब खर्ची से वो लेते थे ना अपनी पॉकेट मनी से तो क्या करते थे कि कैसेट की शॉप पे जाके हाँ. पुरानी कैसेट जो होती थी हाँ. उनमें रिकॉर्ड करवाते थे पैसे बचाने के लिए हम वो रिकॉर्ड करवाते थे बिल्कुल ऐसे ही टीडी के कैसेट टीडी के आई रिमेम्बर मेरे पापा की तो बहुत सारी कैसेट्स होती थी फिर क्या करते थे उनके प्रोग्राम्स रेडियो के वो छूटे हम लोग उसमें सॉन्ग रिकॉर्ड करवा के आ जाते थे एब्सोल्युटली एंड देन नाउ ऑफ कोर्स म्यूजिक लवर तो वो वाली बात है ना कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो यू विल गो लाइक अप टू एनी लिमिट एनी बाउंड्री आप क्रॉस कर लेंगे जाके अच्छा हम बचपन की बात थोड़ा आप करते हैं जी बचपन में मैं बहुत शरारती थी आपको बताओ कि मैं क्या करती थी एक पुराना टाइम था उस टाइम में टीवी होते थे वो मोटे वाले एक टीवी होते थे पीछे विंडोज होती थी मैं क्या करती थी हमारे जो प्ले कार्ड्स पे एक्टर्स की तस्वीरें मिलती हैं सिंगर्स के जो एल्बम की तस्वीरें वो मैं क्रॉप करके काट के और मैं वो टीवी में डालती थी विंडो में मेरा ये ख्याल होता था कि अब ये गाना गाएगी जो मैं पिक्चर जो मैं टीवी में डाल रही हूँ ये पर्सनालिटी जिसकी डाल रही हूँ पिक्चर ये गाना गाएगी ये खबरें सुनाएगी They are come to life, हाँ, वो वाला हो जाएगा हाँ, हाँ, तो ऐसी बचकाना हरकतें करते थे सब बहुत स्टूपिड होते थे एक बार क्या हुआ टीवी खराब हुआ और वो टीवी जब मिस्त्री ने खोला तो उसमें से इतनी सारी तस्वीरें निकली सारे रेडिका पूरा तो शोबिज अंदर है टीवी के बाहर वाले क्या देखेंगे बिल्कुल कभी ऐसे शरारतें की बचपन में तो ऐसे मेमोरी अच्छा ऑन द कॉन्ट्री मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए जो कि बाद में एकदम से रिफॉर्म हुई थी ट्रांसफॉर्म हुई थी रादर आई वाज अ वेरी क्वाइट किड मेरा जो चाइल्डहुड था इवन क्लास प्राइमरी स्कूल तक आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट खामोश
कोने में बैठने वाले बच्चे ऑब्जर्वेंट, हाँ नॉट एग्जैक्टली ऑब्जर्वेंट बट वेरी क्वाइट, और अपनी दादी से आई वॉज वेरी वेरी क्लोज, उन्हीं के साथ सोती थी, उन्हीं के साथ उठ जाती थी, और स्कूल गए, पढ़ाई की, अपना बस काम से काम. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फिर जब मैं मैट्रिक में आई, उस ज़माने में तो अब तो ओ लेवल्स एंड ए लेवल है, हमारे टाइम पे मैट्रिक होता था, इंटर होता था, देन ग्रेजुएशन बीए या बैचलर्स होता था. तो देन मैट्रिक में आके फिर मैं आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स, एंड देन कॉलेज स्कूल के सारे फेयरवेल्स एंड देन देन नेशनल डे सारे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया. And that's how, just like then there was no look back. और ये potential कब पता चला कि मेरे अंदर इतना potential है कि मैं stage पे खड़ी होके जब गाऊंगी लाखों लोग देखेंगे? Potential जब वही मैंने कहा, जब school के बाद जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे घर में काफी encourage किया, like my father, my mother, हाँ उन्होंने जैसे कि सुहेल राणा साहब के शोज होते थे रेडियो पाकिस्तान में, मुझे लेके जाते थे ये लोग. एज आई मैंशन सज्जाद अहमद साहब क्वेटा के लाइक वेरी रेनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उन्होंने क्वेटा टीवी पे मैंने बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैं वहाँ जाती थी छुट्टियों में बिकॉज माई चाचा वॉज बेस्ड देयर, ही वॉज वर्किंग एट द एयरपोर्ट फॉर वन ऑफ दोज ऑयल कंपनीज. तो हम लोग छुट्टी पे जाते थे तो वहाँ मैं क्वेटा जाती थी, तो मैंने वहाँ से शुरू किया अपना म्यूजिकल करियर लाइक टेक्निकली प्रोफेशनली, नॉट प्रोफेशनली बट शौकिया. एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली जब मैं कॉलेज में आई, बैंड बनाया, बैंड बनाने के बाद एल्बम रिलीज हुई, एल्बम के बाद फिर दुबई चले गए. दुबई जाके ख्याल आया बीइंग अ सिंगर आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू म्यूजिक. बिल्कुल, अगर मैं गिटारिस्ट हूँ तो फिर मुझे एक वोकलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, एक कीबोर्डिस्ट ढूंढना पड़ेगा बैंड दोबारा बनाने के लिए, बट एज अ वोकलिस्ट आई कैन ऑलवेज गेट बैक. तो इमरान अली हमारे पाकिस्तान के काफ़ी रेनाउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, कराची में होते हैं, उनके उनका उनके लिए एक आइडेंटिटी ये है कि अली हैदर की जो पुरानी जीन्स और गिटार के ज़माने से करार ये सारे एल्बम्स वहाँ बने थे. ग्रेट. तो इमरान अली के स्टूडियो में ही मेरा दिल की लगी भी रिकॉर्ड हुआ था विद आमिर जकी एंड माई सेल्फ. तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मेरी फर्स्ट सोलो एल्बम जो कि डेब्यू थी लाज के नाम से बनाई, जिसका एक बड़ा फेमस गाना था आए है लाज मोए, तो वो मैंने गाया था. जो कि बाद में हुमायूं सईद जो कि बड़े अच्छे फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ समीना, उन्होंने अपने एक ड्रामे के लिए भी लिया था एज ए ओएसटी मेरा वो गाना. हाँ, बिल्कुल. उसकी वीडियो मरीना खान और उनके हस्बैंड कुचू ने जलील अख्तर ने बनाई थी. हाँ. और काफ़ी अच्छी उसकी मेमोरीज हैं मेरी उसमें, हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं मोहम्मद अहमद साहब. हाँ. उन्होंने उसकी स्क्रीन राइटिंग की थी, उसमें हमारे डी जे और आर जे डीनो एज ए मॉडल है, और हुमैरा ज़हीर खान साहब की वाइफ, हुमैरा ज़हीर खान जो ज़हीर खान साहब की वाइफ है वो है उसमें. हाँ, मेरी हाँ, अम्मी बनी है. अच्छा, और उसमें काफ़ी सारी स्टार कास्ट थी. एंड में वनीज़ अहमद मॉडल जो है राधिका, हाँ, वो मुझे मिलने आए थे तो उनको भी उसमें डाल दिया एक छोटे से शॉर्ट्स के लिए. तो वो बड़े मज़े की वीडियो बनी लाज, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, यू कैन वॉच इट. फिर वहाँ से मेरी वीडियोज़ बननी शुरू हुई. मैं ऑलरेडी दुबई जा चुकी थी, ऑलरेडी एमिरेट्स में थी, तो मेरे लिए इट यूज्ड टू बी वेरी हार्ड, बट अगेन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो कैसे होता था, आप उड़ रहे हो आसमान में, हो आसमानों में हो बल्कि, और वहां से आके शोज करना, थकन नहीं होती थी, नींद नहीं आती थी? मेरा जो दिल की लगी जो इतना फेमस गाना है वो एक्चुअली हमारे नेशनल टीवी चैनल पीटीवी का वो एक शो था वैलेंटाइन का, जो कि कराची में एक होटल में हुआ था. उसमें सब थे, मैं थी, फाखिर, जवाद अहमद, फखर आलम, एवरीबडी, वी ऑल वर देयर. और उन्होंने मुझे कॉल की थी कि वो एक शो है आपने करना है आके. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी सिंगापुर, मेलबर्न, मेलबर्न, ऑकलैंड, 7 days का ट्रिप था. आई केम बैक, आई लैंडेड दुबई, मेरी दोस्तें मेरा वेट कर रही थी. मैं यूनिफॉर्म मैंने चेंज किया, मैंने अपने नॉर्मल कपड़े घर के पहने हैं, उन्होंने मुझे एयरपोर्ट डिपार्चर छोड़ा है, मेरा वो फ्लाइट वाला सूटकेस लेके नया सूटकेस बना के मैं गई थी. मैं लैंड हुई यहाँ पर दोपहर को कोई 1 बजे, पार्लर गई, चेंज करा, और शाम को मैं ऑलरेडी वो शो कर रही थी. और मुझे नहीं पता था कि वो उस शो के बाद उसको एडिट करके उन्होंने एज ए वीडियो बनाया, और वो वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि वो आज तक चल रही है. ज़बरदस्त. तो वो ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. तो आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए. तो पैशन था मेरा हमेशा से. तो बग़ैर सोए बहुत दफ़ा शोज़ भी किए हैं, बग़ैर सोए बहुत दफ़ा वीडियोज़ भी बनाए हैं, दुबई से कराची ट्रैवलिंग बग़ैर सोए बहुत दफ़ा की है. तो या अच्छा, बहुत सारी लड़कियां हैं अभी तो, अभी भी मैं कहूंगी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है. उस टाइम में 90s में तो कोई सोचना भी बहुत अजीब. हाँ, म्यूजिक में लड़कियां. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. यस, तो उस टाइम yes. फैमिली की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट. लड़की अगर आना चाहे म्यूजिक साइड पे, बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फैमिली सपोर्ट इज सो कॉन्क्रीट कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी
अगर आपका हस्बैंड अगर आप मैरिड हैं अलाउ नहीं करेगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका भाई अगर आपके फादर अलाउ नहीं करेंगे. आई डोंट रियली थिंक बैक देन हमारा ऐसा एनवायरनमेंट था उस वक्त के बीइंग अ सिंगल गर्ल आई वुड बी एबल टू डू इट. बट क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, समरा के हस्बैंड आसिफ भाई सपोर्टेड काफ़ी सपोर्टिव थे, इसी तरह आतिफ भाई जो हमारी सीक्वेंसिंग करते थे सिंडिकेट बैंड के, तो वो मेरे भाई के दोस्त हैं. तो लाइक एवरीबॉडी वाज लाइक ऑल क्लोज निटेड. तो दैट इज़ द रीज़न वी डिड दिस वे. तो हमने एल्बम भी बना ली, हमने शोज़ भी कर लिए और अपना प्रूव कर दिया पॉइंट कि पाकिस्तान में भी फीमेल बैंड बन सकता है. बिल्कुल बन सकता है और एल्बम भी रिलीज हो सकती है और शोज भी हो सकते हैं. आप प्राउड हैं पाकिस्तान का, हम सबका प्राउड हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मम्मा आप हमारे साथ हैं आज. नाजरीन इत इख्ताम जो टाइम थो है माँ कदें भी इख्ताम प्रोग्राम जो मुझे वणद ही ना. चवंदी आ प्रोग्राम हलो रहे, ये गाल हलद रहन, कचहरी हलद रहन, एडो प्यार मिलो, एडी एनर्जी मिलती है, एडा जबरदस्त सिंगर जैसे अचन तो चवी तो अस मोकल ही ना. बट इतने क्यों इख्ताम जो टाइम थो एंड अस हुमा के ही सॉन्ग तो कहते खालिद के सजा थी तो अच्छी असा फ्लावर डे तो हुमा के प्रेजेंट. ओह माय गॉड, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू खालिद. Thanks, Khalid, for making me look so beautiful for this makeup. Thank you very much, guys. Oh my God. Thank you, Uma. Thank you so much. Thanks a lot. Give me a hug. जो भी हमारे धरती के व्यूवर्स उन सबको डेडिकेट. बिल्कुल एब्सोल्युटली. ये नया मेरा गाना है, इसका नाम है मलंग, और ये बहुत जल्दी सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, आईट्यून, हर जगह पे. एंड इसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग एंजॉय करें. इजाजत नाजरीन सॉन्ग हुमा जो बुदूं था यो तहां के डेडिकेट था कयूं. अल्लाह वाई.